कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, क्योंकि आज अद्वैत का ऑडिशन है। आज अद्वैत का फर्स्ट ऑडिशन है। हमें कल ही कॉल आया था और आज हम ऑडिशन के लिए जा रहे हैं अंधेरी वेस्ट में। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अद्वैत सो रहा है और इससे हमने कपड़े भी नहीं पहना रखे, क्योंकि ये सो रहा था और सोते हुए में ही हमें इसे उठा के लाना पड़ा। इसने टी शर्ट नहीं पहनी है, हम टी शर्ट इसको पहनाएंगे ऑफिस के बाहर, यहाँ पर इसका ऑडिशन है, उसके बाहर कपड़े पहना देंगे। तो मैं तो इसकी जगह पे मैं नर्वस हूँ, इसे नर्वस होना चाहिए था बट मैं नर्वस हूँ, थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ। और आप क्या हो? आकाश ड्राइविंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जा रहे हैं और जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस रहे हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ऑडिशन मतलब ऐसा, अभी ये तो ऑडिशन दे नहीं सकता बट इसकी फोटोज़ ली जाएंगी। उन्होंने बताया था हमें कॉल पर कि ये कुछ बोल तो पाएगा नहीं ऑब्वियसली, तो इसकी फ़ोटोज़ ही ली जाएंगी। फिर भी थोड़ा सा है मन में ऐसे ही हलचल सी, धक 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 हो रहा है मन में, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही ऑडिशन हो। देखते हैं क्या होता है, सेलेक्ट होता है कि नहीं होता, होगा तो भी अच्छा है, नहीं होता तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अजीब सा हो रहा है मन में, इतना नर्वस तो मैं अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते वक्त भी नहीं हुई थी, इतना अभी हो रही हूँ। और मेरे पैर भी मैं ऐसे हिला रही हूँ, आप लोग को दिखा नहीं सकती बट मैं हिला रही हूँ क्योंकि मैं नर्वस हूँ। जब भी मैं नर्वस होती हूँ तो अपने पैर हिलाने लगती हूँ और हाथ भी हिलाने लगती हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है। आज ना एक बहुत बहुत अजीब सी चीज़ हुई, मतलब अच्छी चीज़ भी बोल सकते हैं और अजीब भी चीज़ बोल सकते हैं। आज आकाश ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, अब वो कॉम्प्लीमेंट की बेइज्जती है मुझे अभी तक नहीं पता। मेरा मैप बजा। हुआ ये कि मैं रेडी हुई और मैंने ये वाला हेयर स्टाइल फर्स्ट टाइम बनाया है। मुझे ना थोड़ा डिसेंट सा दिख रहा था तो मैंने ऐसा हेयर स्टाइल बनाया फर्स्ट टाइम। आकाश ने मुझे देखा, आकाश बोले आप नागिन जैसी दिख रही हो। मैंने कहा नागिन जैसी मतलब क्या नागिन जैसी? तो उन्होंने बोला आप जो सीरियल देखते हो ना नागिन वाला, उसमें एक आती है वैसी। तो फिर मैं याद करने लगी, अच्छा नागिन में तो ऐसी कोई भी लेडी नहीं है जो ऐसी दिखती है, क्योंकि फर्स्ट नागिन में मोनी रॉय थी, वो भी ऐसा हेयर स्टाइल नहीं करती थी। हाँ वो सीधी मांग जरूर रखती थी बट ऐसा हेयर स्टाइल नहीं रखती थी। फिर उसके बाद सेकेंड में कौन थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट सेकंड में जो थी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर सेकंड में भी मोनी रॉय थी, थर्ड में वो थी, उसके नाम में भी जो भी आता है बट मुझे नहीं याद आ रहा है, थी कोई, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। और फिर फोर्थ में थी निया शर्मा ही है ना, निया शर्मा पता नहीं जो जमाई राजा में थी कोई। उसके बाद फिफ्थ में थी ये अपनी सुरभि चंद्रा, तो उसमें से कोई भी ऐसा हेयर स्टाइल तो रखती नहीं है। तो फिर आकाश ने बोला, आकाश ने मुझे कैसे बताया कि वो वाली जो ऐसे करती है मैंने कहा नागिन में ऐसे कौन करती है। तो उसके बाद फिर आकाश ने बोला अब आप मुझे कास्ट दिखाओ आज। तो फिर मैंने उस आकाश को नागिन का पूरा कास्ट दिखाया, तो आकाश ने मुझे बोला कि मैं मोनी रॉय जैसी दिख रही हूँ। सोचो मोनी रॉय जैसी, फिर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझ रही हूँ बट आकाश ने मुझे बोला नागिन जैसी। तो फिर वो मुझे अभी एक ऑटो वाला हमें टक्कर मार के जाने वाला था, जिस पे आकाश थोड़ा सा गुस्सा हुआ से ऐसे वाला। हाँ तो मैं बता रही थी, फिर मुझे ये अच्छा लगा कि आकाश ने मुझे मोनी रॉय से कंपेयर किया, बट ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी कि मुझे नागिन बोला। और मैं अभी भी एक चीज़ डाउट में हूँ कि हमारी शादी जब हुई थी तब तो नागिन का थर्ड सीजन चल रहा था और मोनी रॉय फर्स्ट और सेकंड सीजन में थी, तो आकाश को कैसे पता मोनी रॉय के बारे में? क्या आकाश शादी से पहले नागिन देखते थे?
आकाश हंस रहे हैं, बट हम उनकी तरफ कैमरा नहीं कर सकते, लेकिन वो ड्राइविंग कर रहे हैं। बट क्या शादी से पहले आकाश देखा करते थे नागिन, तो शादी के बाद, मतलब शादी होने के बाद मैं आ गई तो उन्होंने नागिन छोड़ दिया देखिए। मतलब उनकी जिंदगी में असली नागिन आ गई, इसलिए उन्होंने नागिन सीरियल देखना बंद कर दिया। आकाश ने इसका मतलब ये सच में आकाश ने मतलब फर्स्ट और सेकंड सीजन देखा है जिसमें मौनी रॉय थी। थर्ड सीजन जब शुरू हुआ था तब हमारी शादी हुई थी, उसके बाद से मौनी रॉय नहीं आई है, मुझे पता है। थर्ड सीजन में लास्ट एपिसोड में आई थी और उस टाइम पे मैं टीवी पे नागिन नहीं देखा करती थी, मैं वूट पे नागिन देखा करती थी। तो आकाश ने नहीं देखा और आकाश मेरे साथ कोई सीरियल नहीं देखते हैं, तो उन्हें कैसे पता मौनी रॉय के बारे में? ये सस्पेंस है थोड़ा सा, वो मैं इनसे बाद में अच्छे से पूछूंगी कि इनको कैसे पता है मौनी रॉय के बारे में, कि मौनी रॉय नागिन में थी। हम लोग चेकनाका पहुंच चुके हैं, हमें घर से चेकनाका आने में लगे सिर्फ 5 मिनट और चेकनाका क्रॉस करने में हमें लग गए हैं 20 से 25 मिनट। अभी चेकनाका क्रॉस किया भी नहीं है, इतना ट्रैफिक है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है। और आज सैटरडे है, फिर भी इतना ट्रैफिक है, पता नहीं वीकडेज में क्या ही होता होगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अभी कोरोना के टाइम पे इतना ट्रैफिक मिल सकता है चेकनाका पे, बट हमेशा ही, पता नहीं क्यों यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक रहता है। एक बार चेकनाका जब हम लोग क्रॉस कर लेंगे फिर उतना ट्रैफिक शायद नहीं मिलेगा, बट हाँ ये पूरा चेकनाका क्रॉस करने में 20 से 25 मिनट चले ही जाते हैं। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू लग रहा है, कहीं पर पार्किंग मिल ही नहीं रही है। 607 में जाना हूँ। तो क्या अभी वो के पार्क में तो उतरने का ना, उधर बच्चे को रेडी भी करना है ना। चलेगा उधर, उधर के उधर से है तो तो उसी लिए तो मैं सोचा अंदर पार्क करने मिल जाएगा। इधर नहीं है, अलाउ ही नहीं है। पेन पार्क कहाँ पे अपना? इधर आगे है, बहुत आगे। वो तो बहुत आगे होगा, इधर ही है, गेट के आगे थोड़ा है। अच्छा इनको रेडी करके फिर मैं 2 मिनट तक यहाँ पे रुकता हूँ, इनको रेडी कर देता हूँ, इनको यहाँ उतार के मैं। ओके एक काम करते हैं, हाँ। एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, इसको आप हंसाइए। 3, 2, 1 इतना प्याला बेटा होता है क्या? क्या खाया था मम्मा ने? हम लोग वहां से निकल चुके हैं, अद्वैत का फोटोशूट भी हुआ, बट अद्वैत जी हंसी नहीं रहे थे। इनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है, कि अभी कैमरा है सामने और अभी नहीं करना, कुछ भी रिएक्ट नहीं करना, हमेशा ही ऐसे ही करता है। पता नहीं बच्चों के पास ना कुछ 7th, 8th सेंस होते हैं जिनसे इन लोग को पता चल जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको पता चल ही जाता है, और ये कैमरे के सामने करते ही नहीं है कुछ भी परफॉर्म। फिर जैसे तैसे इसे हंसा के, इसके साथ बात करके हमने किया, अपने क्लिप में देखा ही होगा, करवाया फोटोशूट।
अब हमें इसका प्रोफेशनल फोटो शूट कराना है, वो हम देखते हैं कि हम खुद से करेंगे, क्योंकि हम लोग भी कर सकते हैं तो हम लोग खुद से करेंगे या फिर फोटो शूट करवाएंगे, वो अभी देखना है कैसे करते हैं। तो हाँ, ये था, अभी इसका हो चुका है सब कुछ, देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम लोग घर जा रहे हैं, मौसम बड़ा मस्त हो रखा है, बट गर्मी है, पता नहीं क्यों ऐसे मुंबई में ये चीज़ है। अगर बारिश का मौसम भी है, हो रखा है ना, फिर भी यहाँ पे गर्मी होती है। हम लोग के दिल्ली में अगर बारिश का मौसम है, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। मैं पिछले तीन साढ़े तीन साल से मुंबई में हूँ, और मुंबई में बारिश के टाइम पर भी ठंड नहीं होती। मुंबई वालों को पता ही क्या है ठंड क्या होती है, हम दिल्ली वालों को पता है। तो नहीं है मौसम अच्छा, अच्छा है बट अच्छा नहीं भी है, मिक्स है, मतलब गर्मी है बट मौसम अच्छा है। हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और बारिश शुरू हो चुकी है। मुंबई में इस सीजन का ये पहला बारिश है जो मैं ऐसे कार में देख रही हूँ, अभी तक नहीं देखा था। मानसून तो आ चुका है यहाँ पे लगभग एक हफ्ते पहले ही, बट बहुत मज़ा आ रहा है बाहर देखने में, बारिश हो रही है, मौसम तो क्या यार, खास मौसम हो रखा है, जानलेवा नहीं है मौसम। हाँ, जानलेवा मौसम हो रखा है, जानलेवा मौसम है। बट अब हम लोग घर के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं तो हम लोग इंजॉय नहीं कर पाएंगे, जिसका मुझे बुरा लग रहा है। पहले नहीं की भगवान ने बारिश, अब कर रहे हैं जब हम लोग घर के बहुत नजदीक है, लगभग 10 मिनट हम लोग घर पहुंच जाएंगे। मुझे अच्छा भी लग रहा है, मुझे बुरा भी लग रहा है। मैं आप लोग को बाहर का नजारा दिखाती हूँ। मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा और फिर आप लोग बोलोगे कि ज्योति ने बताया नहीं नोटिफिकेशन आया नहीं, तो कर देना, भूलना नहीं। तो चलो, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।